सभी का आज जो है चार पाँच समाज में सभी का हार्दिक अभिनंदन है और सभी की तरफ से जो आप टैक्स के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं, ठीक है, और बताने की तो कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि इसका जो है विकास कैसे हो। आज हम पढ़ाए टैक्स में जाते हैं तो देखते हैं क्या है कि किसी में भी सब एक महीने में कोई बैठक नहीं करता है। और यह स्थिति होती है कि एक साल में भी एक बार नहीं करते, तब होती है तो जब पाँच साल पूरा जाता है तो एक विशेष आम सभा होती है जिसे निर्वाचन कहते हैं, उसमें एक बैठक होती है, बस यही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रबंधक महोदय चेयरमैन, उनका उत्तरदायित्व होता है कि हम जो है प्रत्येक महीना बैंक में जो बता देंगे सूरज बता देगा सूरज महीना बैठक बुलावे, उस बैठक में जो है प्रस्ताव लावे कि पैक्स का विकास कैसे होगा, उस पर मंथन करें कि हम जो वहाँ पर पैक्स खोल लिए और कुछ भी उसमें क्रियाकलाप नहीं करेंगे तो आप बोलते हैं कि सर हम तो मेहनत भी करते हैं, हमारा सर रोजी कैसे चलेगा। तो रोजी रोटी का जो सवाल आप बोलते हैं बार बार, तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, जिससे कि आप पैक्स में जमा वृद्धि खोलिए। तो जमा वृद्धि जब खोलते हैं तो लोगों से संपर्क किए जो वहाँ के गणमान्य व्यक्ति के, उनका सहयोग लीजिए और साथ साथ में जो अच्छे किसान हैं उनको सहकारिता से जोड़िए, मेंबर बनाइए और उन लोगों से ही मैंने कि बैठक में उनको भी बुलाइए और उनका भी प्रपोजल लीजिए कि कैसे इस पैक्स का विकास होगा। और जैसे कि मान लिया कि आपको खाद का व्यवसाय करना है तो पूंजी नहीं है, तो वहाँ पर यदि जो गणमान्य व्यक्ति हैं आप उससे भी जो है राशि लेकर और मैंने कि खाद व्यवसाय, बीज का व्यवसाय, धान अब जो भी है यदि आप कुछ कर सकते हैं इस, और जमा वृद्धि कीजिए। जमा वृद्धि में क्या होता है कि जो मेंबर हैं उनको तो जोड़वे कीजिए, साथ साथ अन्य लोगों को भी उसमें जोड़िए और जमा वृद्धि के प्रति उनको मैंने कि सपोर्टिंग कीजिए कि भाई इसमें जो है आप हमारे जो है टैक्स में खाता खोलिए और उनको बताइए। और जैसे कि कोई भी मान लें कि सदस्य है, यदि हमारे यहाँ FD करता है टैक्स में, तो वो इन टाइटल जो है हम उसको 80% उसको हम लोन दे सकते हैं, हमें लोन। तो लोन का भी जो है एक इंटरेस्ट और रेट जो है आप कार्यकारिणी के बैठक में लेकर एक फिक्स कर दीजिए कि भाई हमारे यहाँ जो है यह रेट ऑफ इंटरेस्ट यह हो, उससे और वहाँ के जो लोग हैं उनको कहीं भटकना नहीं पड़े, वो आपके पास आएंगे और उसको ऐसा समय यदि उसको ऋण देते हैं और उसकी असूली का भी हम मेरा कर्ज है, यदि वो व्यक्ति के लोन ले लेता है और मान ऐसा समय लोन नहीं दे रहा है, चुकता नहीं करता है, तो प्रबंध कार्मिक की या उसे दायित्व होती है कि उनके घर पर जाकर पूरा ग्रुप बना कर जाए और उसको समझाएं कि भाई आपके द्वारा जो है समय पर लोन नहीं दिया गया है। तो उसको क्या होता है कि व्यक्ति जो जग जाता है कि नहीं वो बार बार हमको तगड़ा करा लोन देना चाहिए, ताकि जब तक हम ऋण वसूली नहीं करेंगे तो हमको उससे आय नहीं हो। और अभी क्या हो रहा है कि प्राय बैच में देख रहा हूँ कि जमा वृद्धि के द्वारा बहुत सारा लोन दे दिया गया है और उसकी असूली क्या है कि नग्न है, आज जो है लॉस में जा रहा है, जो उसमें कर्मी काम कर रहे हैं उनका मानदेय नहीं निकल रहा है। तो इस स्थिति में क्या कि जब तक हम एक्टिव नहीं होंगे तब तक कोई विकास नहीं होगा। पदाधिकारी क्या है, पदाधिकारी आपको हेल्प करें, मगर करना तो पड़ेगा आप ही, जब तक आप आगे नहीं बढ़िएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोर्टिंग हमारी रहेगी। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े हमारी आप हमको बोलिए कि सर बहुत मेरा हेवी लोन है, सर वो लोन नहीं दे रहा है, उसके प्रति जो भी हम लोग हेल्प से जाकर व्यक्ति का संपर्क भी करेंगे। अभी संपर्क करने के बाद नहीं होता है तो उसको पहले 3 बार नोटिस देने का भी प्रोविजन है, 3 बार नोटिस उसको दिए और देने के बाद यदि उसके बाद भी व्यक्ति लोन नहीं देता है तब अंतोगत्वास में सर्टिफिकेट केस करने का प्रस्ताव समिति में दीजिए और प्रस्ताव पारित करने के बाद जिला सहकारिता अधिकारी महोदय को जो सूचना दीजिए कि फला लोग को सर्टिफिकेट केस करना। तो इससे क्या हुआ कि ऋण वसूली भी होगी और लोग जो है जो लोन नहीं दे रहे
वो भी सारा भयभीत होगा कि हम नहीं देंगे तो हम पर कानून कार्रवाई भी होगी। और इस सब शब्दों के साथ मैं हाँ जी मिश्रा जी बिजो साहब आइए, अपना अनुभव बताइए और बताइए। जिला सहकारिता पदाधिकारी महोदय, आमंत्रित या उपस्थित मैडम और सहकारिता के जुड़े सहकारिता परिवार के सभी प्रबंधक या प्रतिनिधि जो भी हैं, साथ में हमारे सहकर्मी सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, यूँ तो हम लोगों ने जो बहुत लंबी परिचर्चा में हिस्सा बन करके अपने दूसरे के अनुभवों को साझा किया और ये क्रम पहले भी था और आगे भी होता रहेगा। जो मुख्य बातें सभी संबोधन में जो हम लोगों को सुनने को मिला वो ये था कि सहकारिता जो है उसको अभी तक हम लोग जो इस रूप में समझ रहे हैं वो उसका स्वरूप सही रूप में हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। सहकारिता को हम लोग सहकारी से जोड़ करके देख रहे हैं, जो ये कतई उसका अर्थ नहीं है। सहकारिता का जो सही अर्थ है वो है सहकारिता यानी कि सहयोग, आपसी सहयोग, आपसी समन्वय। जैसे हमारे एक अतिथि महोदय के द्वारा ही बताया गया कि हम अपने जॉइंट एफर्ट से अपने जो हमारा एफर्ट है उसको एक सामूहिक रूप में इंटीग्रेटेड फॉर्म में ला करके हम जब किसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो नेचुरल उसका आउटपुट एक दूसरा होगा। और ये इसका इतिहास भी इसका भी यही रहा है कि कोऑपरेटिव की शुरुआत जो हुई है वो एक सामूहिक प्रयास के लिए ही हुई है। ये सच है कि उसमें सहकारी संस्थाओं के संचालन में सरकार का भी सहयोग रहा है और सरकार चाहती है कि ये सहकारी संस्थाएं आगे बढ़े, लेकिन सबसे पहले जो मूल बात है वो ये है और उसी को समझना है। और उसको समझने के लिए आपका जो पैटर्न होगा, चूँकि जो आपका कंपोनेंट होगा उसी कंपोनेंट के कंपोजिशन से, कोई दवाई भी होता है तो आप देखते होंगे उसमें कंपोजिशन लिखा होता है, यानी उसके जो घटक हैं, अवयव हैं, जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, वही उस दवाई की महत्ता को बढ़ाता है। मकान ये है तो मकान में अगर आप अच्छे मटेरियल लगाते हैं तो मकान का स्वरूप जो है वो स्वाभाविक रूप से बढ़िया हो जाता है। तो ये संगठन जो है उस संगठन में जो सदस्य होंगे वो सहकारी विचार के होंगे, आपसी प्रेम भाव में विश्वास रखेंगे और फिर उनका उद्देश्य भी एक कलेक्टिव होगा। तो नेचुरली है कि हमारा जो एफर्ट जिस डायरेक्शन में जाएगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे सिर्फ यही एक अपील करेंगे कि आपके संगठन का संचालन बेहतर कैसे हो। तो सबसे पहले उसका एक भाग होता है प्रशासनिक भाग। संगठन का एक भाग जो होता है वो प्रशासनिक भाग होता है, यानी जो प्रशासन देखता है आपके संगठन में, जैसे कि आपका जो प्रबंध समिति है वही उसका एक प्रशासनिक भाग होगा जो डेमोक्रेटिक पैटर्न पर आपका चुना जाता है। तो उसमें जैसे कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया कि उसमें अच्छे लोग आएंगे, समझदार लोग आएंगे, सहयोगी भाव के लोग आएंगे, तो वो प्रबंध समिति का स्वरूप भी सहयोगात्मक रहेगा। विरोध हो अच्छी बात है, लेकिन विरोध के विरोध के लिए ना हो बल्कि वो सहयोग के लिए विरोध हो। कोई भी प्रस्ताव आप अगर लेते हैं और वो अगर संगठन हित में है, समिति हित में है, जनहित में है, लोकहित में है, तो वैसे समिति में जो भी प्रस्ताव आएगा उसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर उसकी कार्य पद्धति या कार्य प्रणाली अगर कहीं से दोष मुक्त नहीं है तो उसका विरोध आप प्रबंध समिति के लोगों में अगर करते हैं तो उसको भी आप तवज्जो दीजिए और वो कीजिए। अब प्रशासन में जैसे कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे आप सभा आप देखेंगे, पहले तो मैं समझता हूँ कि शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों ने ही उनके उपविधि को समझा होगा।
सबसे पहले आप सभी सदस्यों को अपने बायलॉज के बारे में बताइए, क्योंकि बायलॉज आपका आईना है। जैसे आप सजते संवरते हैं तो आपके सामने एक आईना होना चाहिए, तो वो बायलॉज जो है वो विधि आपका आईना है समिति का या संगठन का। उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, उसकी सदस्यता के बारे में, उसके कार्यक्षेत्र के बारे में, उसके उद्देश्य के बारे में, उसके संचालन के बारे में, अगर कोई विरोधी सदस्य है तो उसके निष्कासन के बारे में, अंकेक्षण के बारे में, निर्वाचन के बारे में, या जितनी भी उससे संगठन के संचालन से संबंधित जो भी बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं का उसमें एक लिखित है। वो आपका मैग्ना कार्टा यानी संविधान है। जैसे देश या राज्य का संचालन संविधान से होता है, आप सुनते होंगे बराबर संविधान की दुहाई दी जाती है कि हमारा कोई भी कृत्य ऐसा ना हो जो संविधान के विरुद्ध हो, तो उसी तरह आपका संविधान जो है वो आपकी उपविधि है। हाँ, लेकिन उपविधि के अलावे भी आपका एक्ट है और नियमावली है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, वो जितनी भी उपविधि में बातें उपबंधित हैं वो आपके एक्ट और नियमावली के अनुकूल ही है, इसीलिए उसका मॉडल बायलॉज के रूप में भी देखा जाता है। तो उसमें आप अपने प्रबंध समिति का नियमित बैठक करें, आम सभा, वार्षिक आम सभा जरूर करें, और विशेष आम सभा अगर मान लिया निबंधक महोदय या निबंधक महोदय के निहित शक्तियों के जो स्तर के अधिकारी हैं उनके द्वारा अगर आपको दिया जाता है आदेश, तो वैसे भी आप विशेष आम सभा का आयोजन कर सकते हैं। फिर दूसरा पक्ष इसका आता है पूंजी। तो किसी भी संगठन को संचालन के लिए पूंजी भी बहुत जरूरी है। तो पूंजी आप तीन तरह से ले सकते हैं। एक तो आप हिस्सा पूंजी ले सकते हैं जो सदस्यों से ले सकते हैं, दूसरा अगर आप हिस्सा पूंजी लेते हैं तो सरकार भी आपको हिस्सा पूंजी देती है, दूसरा होता है अनुदान जो आपको नाबार्ड से या भारत सरकार से या राज्य सरकार से मिल सकता है, और तीसरा है लोन जिसको आप ऋण के रूप में ले सकते हैं। तो जब तक आप अपनी कार्यदशा और कार्य पद्धति को नहीं सुधारेंगे तो ये पूंजी का जो भी व्यवस्था होगा, अनुदान हो या फिर आपका ऋण हो या हिस्सा पूंजी हो, इसका सही उपयोग आपके द्वारा जब तक नहीं किया जाएगा तो उसका जो फलाफल या प्रतिफल है वो नहीं मिल पाएगा। तो हमारा लघु शब्दों में यही आपसे अनुरोध होगा, ऐसे तो बहुत और मौके मिलेंगे और भी बहुत विद्वत लोग अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन जो हमारा इस मंच से आपको एक लघु अनुरोध यही होगा या निवेदन होगा कि आप सबसे पहले जाकर के सभी सदस्यों को विधि के बारे में पढ़ा दें, क्योंकि अकेला आदमी अगर कोई भी संगठन को चलाएगा तो वो उतना प्रभावकारी नहीं हो पाएगा। तो जब सभी लोग उस उपविधि को समझ जाएंगे तो फिर उनके समग्र प्रयास से आपका जो समेकित फलाफल होगा वो एक दूसरा ही रूप में आएगा, और फिर बाकी उसका जो आप रिजल्ट देखेंगे वो आपके ही, आपको भी दृष्टिगत होगा और आपके सदस्यों को भी दृष्टिगत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी मौके की मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे कहे बातों पर आप जरूर अमल करेंगे और फिर नई जो हम लोग नई व्यवस्था में जो उभर के आएंगे तब आपके द्वारा भी हम आपके उस अनुभवों को साझा करेंगे, और उसमें जो त्रुटि रहेगी फिर हम लोग मिल करके उस सहकारिता को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।